नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीजू पाठशाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे भी बीए एलएलबी करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग बीए एलएलबी का कोर्स डिटेलिंग करने वाले हैं। यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीए एलएलबी कोर्स रन करता है, जिसका एडमिशन सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा, उसका फुल प्रोसीजर हम लोग जानेंगे। यानी पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, माइनस मार्किंग, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस, ये सब कुछ जो है इस एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो। बेल आइकन इसलिए प्रेस करना है जिससे कि आपका कोई भी नोटिस मिस ना होने पाए। मैं आपको बताया हूं कि अभी सीयूटी 2023 का फॉर्म तो आया है, फिलअप नहीं करना है। कब फिलअप करना है? जब आपको लगभग टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद आप जाके सीयूटी का फॉर्म भर सकते हो। सो प्लीज बीएचयू पाठशाला के पूरे सीरीज को फॉलो करो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बीए एलएलबी करना है तो आप इन पूरे यूनिवर्सिटीज को एक साथ देख सकते हो, बीए करना है तो पूरे यूनिवर्सिटीज को एक साथ देख सकते हो, बीकॉम करना है या बीएससी करना है, एग्रीकल्चर करना है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आने वाले वीडियोज में हम लोग बीएचयू पाठशाला पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बीएचयू पाठशाला का कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान लेते हैं। ये एक नंबर है जिस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स ज्वाइन करना है। हमारे यहाँ सीयूईटी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, चाहे जीटी हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, साथ में पीजी के भी कोर्सेज रन कराए जाते हैं। तो तमाम कोर्सेज बीएचयू पाठशाला पे ऑफर प्राइस यानी 50% डिस्काउंट पे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये देखो इनका ऑफिशियल पेपर पैटर्न है, यानी रिक्वायर्ड सेक्शन फॉर बीए एलएलबी इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ध्यान देना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो कि सीयूटी के थ्रू ही अपने एडमिशन देगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने आप को अलग भी कर रही हैं, लेकिन अभी 2023 में इलाहाबाद अपने यहाँ जो एडमिशन देगा वो सीयूटी के ही पैटर्न पे देगा। तो ऐसे में जो सीयूटी का बीए एलएलबी के लिए पैटर्न है उसमें देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से लिख रखा है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे बहुत क्लीन तरीके से लिख दिया हूं। सबसे पहले आप नजर दौड़ा लो एक बार, यहां पे S1, S2 एंड S3, इसका मतलब होता है सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि बीए एलएलबी इलाहाबाद से करना है तो तीनों सेक्शन के पेपर देने होंगे, ये क्लियर हो गया है। सेक्शन 1 यानी हिंदी और इंग्लिश, आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है जो कि आपके सेक्शन 1 लैंग्वेज में से आएगा। साथ में सेक्शन 2 बोल रहे हैं, सेक्शन 2 में बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर हम लोग लीगल के साथ क्या और डोमेन लेंगे? ऐसा नहीं है, आपको ओनली लीगल स्टडीज लेना है, यानी एक ही डोमेन लेना है बीए एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ये नहीं है कि आप दो डोमेन ले रहे हो, तीन डोमेन ले रहे हो, चार डोमेन ले रहे हो, उनकी जो रिक्वायर्ड है वो बस सिंगल डोमेन की है जो कि है लीगल स्टडीज। लीगल स्टडीज के अलावा कोई डोमेन लेते हो तो बीए एलएलबी के लिए काउंट नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है। इट मींस कि लीगल स्टडीज कंपलसरी है सेक्शन 2 से आपके बीए एलएलबी इलाहाबाद कोर्स के लिए। सेक्शन 3 की बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल है, वो है जनरल टेस्ट यानी जीटी। जनरल टेस्ट आपके बीए एलएलबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कमिंग वीडियो में रिलेट करके बताऊंगा कि आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पे बाकी यूनिवर्सिटीज में बीए एलएलबी कर सकते हो बिना लीगल के भी, वो मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो यहां पर तीसरा पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस पैटर्न, यानी क्वेश्चंस पैटर्न क्या होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तो आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इस सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, टोटल कितना मार्क्स बनता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी बनती है, तमाम बातें हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 1 जो है उसमें लोगों कितने लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज, ठीक है। सेक्शन का दो पार्ट यहां डिवाइड कर दिया है, तो ध्यान देना कि हम लोग का फर्स्ट में ही हिंदी और इंग्लिश आ जाएगा, तो हम लोग 13 लैंग्वेज में से काउंट करेंगे एक सेक्शन, यानी S1 में एक ही लैंग्वेज लेना है, ठीक है। L1 लैंग्वेज बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन यहां पे हमारे बीएलएलबी के लिए एक ही लैंग्वेज काउंट होगा जो कि ये है आपका। टोटल 40 क्वेश्चंस आपके काउंट होंगे, 50 आएंगे लेकिन आप कितना अटेम्प्ट करोगे, 40। जैसे आप 40 अटेम्प्ट कर ले तो आपका अपने आप ब्लॉक फुल हो जाएगा, आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होगा। कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप सेंटर पे जाओगे, कंप्यूटर पे बैठोगे और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आप जैसे ही लैंग्वेज सेक्शन के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपका ब्लॉक फुल हो जाएगा। इट मींस कि आएगा 50 लेकिन अटेम्प्ट करना है 40, ठीक है। उसके बाद यहां पे इन्होंने दो ऑप्शन दे रखा है कि 40 में 40 आएगा तो 35 करना है, 50 आएगा तो 45 करना है। एक्चुअली ये डोमेन कुछ कोर्सेज के लिए स्पेशल है, यानी आपको
40 वाला जहां तक मुझे लग रहा आएगा, बीएससी वालों के लिए शायद 50 वाला है, मैं किसी वीडियो में इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। जो भी आएगा बहरहाल आपका कंफर्म है कि डोमेन एक तो आना ही है, तो डोमेन अगर 40 आता है ठीक है तो आपको यहां 35 करना है। कितना करना है, ये काउंटिंग गलत हो जाएगा, तो 40 आएगा तो कितना करना है, 35 करना है, ध्यान देना कितना 35। और ईच क्वेश्चन करी 5 मार्क्स, यहां मैंने जो 5-5 ली रखा है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। ओके तो आप लोग यहां से टोटल, अच्छा जीटी भी डिस्कस कर लेते हैं, जनरल टेस्ट में क्या आएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से अटेम्प्ट करना है 50। कितना 50 टोटल, यहां पे मैंने लिख दिया है कि 50 से अटेम्प्ट करना है। जैसे ही 60 क्वेश्चन के ब्लॉक से आप 50 अटेम्प्ट कर लोगे, अपने आप आपका जीटी कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस कि 50 से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो जनरल टेस्ट से। ओके तो टोटल यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो काउंट हो जाता है 40, 35, 50 और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। आप लोग टोटल काउंट करके समझ लेना कि ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, यानी टोटल मार्क्स हो जाएगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। हाँ लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देना, जब हम लोग लीगल ले रहे हैं डोमेन में, यानी एक डोमेन जब ले रहे हैं, साथ में अगर हम लोग दो डोमेन ले लेते हैं, सपोज कि पॉलिटी ले ले या इकोनॉमिक्स ले ले, तो ऐसे में आप बीए के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आप ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अब समरी सुनो, समरी ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप बी एलएलबी करना चाहते हो तो आपका जो रिक्वायर्ड सेक्शन है वो है S1, S2 एंड S3। सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज से कोई एक, हिंदी और इंग्लिश। सेक्शन 2 यानी आपका कोई एक डोमेन नहीं स्पेसिफिक है, स्पेशल है, वो है लीगल स्टडीज फॉर बी एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट, ये ध्यान देना है कि डोमेन में लीगल कंपलसरी है, बिना लीगल के बीए एलएलबी इलाहाबाद से नहीं कर सकते हो। सो मुस्कुराते रहें, बीएचयू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर एक वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आना है और काउंसलिंग में तो पूरा भरमार आने वाला है। और अच्छा है कि बीएचयू पाठशाला के 100K होने वाले हैं, तो आप उसका हिस्सा बनो। ठीक है, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, all the best।